यार दोस्त, आप मेरी आवाज़ सुन के देख ही लिए, वो कितना बुरा हाल है मेरा। सुबह सुबह उठते 5:30 बजे हुए, बहुत बुरा हाल है। 8:31 का ये वीडियो है, बहुत लेट पोस्ट हो रहा है, और क्योंकि मैंने बीच में कुछ स्किन केयर और हेयर केयर वाले वीडियो डाल दिए थे, तो आप देख रहे हैं मुझे कि मुझे सुबह उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं। पर मैं उठती हूँ, ऐसा नहीं मैं उठती हूँ, पर मैं 10-15 मिनट बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हूँ। तो मैं ऊपर जा रही हूँ, नीरज का इंटरव्यू वो सॉरी एग्ज़ाम है, तो 8:31, और मैं उसके लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। सुबह लखनऊ जाएंगे, तो जब घर घर से किसी को खाली पेट नहीं भेजना चाहिए, वो कोई भी हो, चाहे आप हो, खुद भी हो, कोई हस्बैंड या फैमिली मेम्बर, किसी को भी करके खाली पेट नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ खाना चाहिए, माना कि सुबह सुबह भूख नहीं लगती, फिर भी कुछ भी खाना चाहिए आप बनाए जरूर, तो कुछ ना कुछ आदमी खा ही लेता है। नाश्ता भी बना दिया, और बच्ची हुई चाय में टेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर चाय की खुशबू आती है मुझे तो मैं रोक नहीं पाती। तो चाय तो मैंने पी ली, तो यहाँ मम्मी उठ के बैठ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बाहर से भी दिखा दूँ कि नीरज अपनी गाड़ी को कितने अच्छे से क्लीन करके सजा के रखा हुआ है, मतलब क्लीन कर दिया कि सुबह देखिए 6 बजे कितना, अभी 6 भी नहीं बचा हुआ है, उजाला हो जाता है एकदम से। और इस टाइम आजकल इतने कवड़िया चलते हैं कि मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ता है, म्यूज़िक होता है कि मेरी आवाज़ क्लियरली नहीं आती है। और ये देखिए भैया जी, तो कैसे मस्त टहल रहे हैं, कितने ग्रीन पेड़ हैं यहाँ पे, और ये गंदा बहुत बुरा लगता है, मैं इसको दिखाती ही नहीं। ये सारे लोग टहल घूम रहे हैं, अब मैं आ जाती हूँ अपने कमरे में। तो अब 6 बजा हुआ है, अब नीरज जा रहे हैं वहाँ पे, कहाँ पे, अपना एग्ज़ाम देने लखनऊ। तो मैं सारा वॉइस ओवर कर रही हूँ इसीलिए, क्योंकि बहुत म्यूजिक आता बैकग्राउंड से और कुछ समझ में नहीं आता प्रॉपर, तो अच्छा नहीं लगता ना, क्वालिटी भी नहीं अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ, क्योंकि और भी लोग थे इसमें, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है कि मैं इसे मोबाइल को रिकॉर्ड करती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे नीरज के कुछ फ्रेंड्स थे जो बैच मेट थे, वो भी डॉक्टर्स थे और लोग, तो वो सारे लोग गए थे इंटरव्यू देने के लिए, सॉरी इंटरव्यूअर से बोला मैं, वो क्या बोलते हैं उसको, एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ फिर से दोबारा से अपनी कार को साफ करती हूँ, मेरा पति इतना मेहनती अपनी कार को मार रगड़ रगड़ के रगड़ गोरा ही करके रहेगा। तो फिलहाल नीरज ने कार साफ कर ली, कार साफ करते ही मतलब मुझे कुछ बोला है कि जो थी, हाँ मेडिसिन मंगाई थी, जो उनका दोस्त था उसे कुछ फीवर्स था तो मेडिसिन मंगाई थी। अब यहाँ पे मेरा पति जाते हुए बाय करा मम्मी से, ऊपर देखो मम्मी से बाय करेंगे, फिर मुझसे बाय की, इसके बाद अब ये जाएंगे जनाब यहाँ से। और जैसे ही जनाब निकले, वैसे ही मैंने अपना चादर उठाया और मैं सो गई, क्योंकि नींद आ रही थी इतनी भयंकर, बहुत बुरा हाल था। ये देखिए लाइट होगी बंद, मस्त मैं सोऊंगी आज सुबह 10 बजे तक, क्योंकि आज है संडे। और तब तक आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टाटा। सो के उठ गई हूँ और बच गए हैं 9, अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना लंबा सोऊंगी, और वैसे भी नीरज ने खाया नहीं था, ब्रेड वगैरह सब रखा है। मैं एज यूजल सुबह से कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि आपको पता कि मैं संडे को इतना बिजी होती हूँ, और यहाँ पे शाम के बज गए हैं 7:30, और नीरज जस्ट अभी आए थे, तो ये प्लांट्स लाए हैं गांव के लिए, बाग में लगाने के लिए। हमारा जो बाग है उसमें लगे हैं 11 से 12 पौधे हैं, और साथ में नीरज अपना फेवरेट प्लांट लेके आए हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये है रबर प्लांट। और ये लंबे टाइम से, बहुत टाइम से नीरज लेने वाले थे, लेकिन हमारा लखनऊ जाने को नहीं हुआ, और हरदोई में कभी ऐसे निकलना नहीं होता जहाँ पर हम लोग लेने जाएँ प्लांट्स। तो यहाँ पे मेरे पति का ड्रीम्स कम ट्रू हो गया कि रबर प्लांट आ गया घर में। और हमने प्लांट्स पहले बहुत लगाया करते थे घर पे, मतलब छत पे 100 समथिंग हमारे यहाँ गमले थे, दीदी जब हुआ करती थी, मतलब इसके बाद मैंने थोड़े कम कर दिए, फिर थोड़े कम कर दिए, अब तो बिल्कुल ही। हम एक आम का बाग बनाएंगे बड़ा सा, और इतने सारे आम के पौधे लगाएंगे, क्योंकि गाँव में एक बार फिर कुछ ब्लॉग शूट नहीं हुआ, ये फिर अगला दिन हो गया है यहाँ पे। और हम गए सुबह सुबह तुरंत मंदिर दर्शन, शिवलिंग बना हुआ ये है हमारे तुरंतनाथ मंदिर के पास बने हुए हैं भोले बाबा। स्कूल के लिए मैं थोड़ा लेट हो रही, फिर भी मैं आई हूँ यहाँ पर भोले बाबा के दर्शन करने। तो ये है हमारे भोले बाबा बने हुए, बर्फ से बनाया गया है ऐसे, और अंदर मंदिर है, इधर बर्फ है, इस पर बहुत स्लिपी होगा, इस पर जा नहीं सकते। और तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको दिखा दी, और ड्रॉइंग कर दी, ब्लॉग करने के नाते मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा ब्लॉग होने के नाते। तो जय भोले बाबा, तुम्हारी जय, मैं यहीं से जय करती हूँ। अरे ना आप चले जाइए जाइए, आओ मेरे साथ आओ, पापा का हैंड पकड़ लो, टीका लगा देना अर्जुन के, ठीक है। और हम जा रहे हैं स्कूल, थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि आज एग्ज़ाम बच्चों का पहला दिन है, और आज 1 तारीख है, और अर्जुन का भी फर्स्ट एग्ज़ाम है। और बहुत अच्छा लगता है कि आप जब आप कुछ नया करते हैं, जैसे कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, वहाँ पे बच्चों के एग्ज़ाम के लिए पेपर्स मैंने बनाए, क्राफ्ट्स के लिए बनाए, बच्चों को कॉपी चेक कराएँ वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो
एक होता है बेसिक सी चीज़ें मतलब जो किए जाते हैं वो मैं करती हूँ, और इधर कांवड़ी लोग तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं देता, इसलिए मैं ओवर वॉइस करती रहती हूँ क्योंकि इतना शोर होता है यार, मेरी आवाज़ दब जाती है। हालांकि मैं बहुत धीमे नहीं बोलती हूँ, मैं ये नहीं कह सकती मैं बहुत धीमे बोलती हूँ तो आवाज़ दब जाती है, मैं बहुत तेज़ ही बोलती हूँ बट फिर भी आवाज़ दब जाती है। ये पुलिस वाले भाई आराम फरमा रहे थे, इनका कोई भी मतलब ये नहीं होता कि चलो देख लें, जैसे जो करना वो करते रहते, आराम से बैठ के मस्त चाय पी रहे थे। और इधर मैं जा रही हूँ स्कूल के लिए, थोड़ा सा लेट हो गया है और बहुत बुरा हाल है, डर लग रहा है मुझे। तो जब सब कुछ ओवर वॉइस ही था तो क्यों ना मैं शाम को भी मैंने फिर से ओवर वॉइस किया, क्योंकि मैंने अपना फेस नहीं दिखा रही। यहाँ पे मैं बनाई जो के लिए पास्ता, जो बोले मामा पास्ता बना, तो मैं जो को वो मैदे वाला पास्ता देना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही हूँ आजकल। मैंने सोचा क्यों बच्चों को मतलब नहीं खिलाना चाहिए, मैं पहले नहीं खिलाती तो मैं अब क्यों खिलाने लगी, मैं थोड़ा सा आलसी हो गई थी, अब बिल्कुल भी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं अर्जुन को कुछ भी ऐसा अनहेल्दी देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रोटी को पतला पतला काट लिया, आटे की रोटी को, और इसको गर्म पानी में डाल के बॉयल कर लूँगा अच्छे से, और अर्जुन के लिए बहुत ही टेस्टी है डिलीशियस पास्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑनियन लिया है, थोड़ी सी कैप्सिकम की कम नहीं है क्योंकि अर्जुन के लिए टमाटर अर्जुन इतनी सफिशियंट है यहाँ पे सब्जियाँ, क्योंकि बच्चे उतना कम खाते हैं, अर्जुन थोड़ा सी कम खाता है, ऑनियन कम खाता है, बाकी सब चीज़ें खा लेते हैं। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर ले रही हूँ यहाँ पे, और इसके बाद मैंने यहाँ पे पास्ता को उसको निकाल लिया था, इसे ठंडा कर लिया, इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी इसको फटाफट से। देन इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा नमक, अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल लीजिएगा, और फिर इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी जो कि बहुत ही हल्के होंगे अर्जुन के हिसाब से, और इसके बाद मैं इसे सर्व कर दूँगी। यहाँ पे मैंने डाला थोड़ा सा टमाटो सॉस, टमाटो सॉस बच्चों को बहुत पसंद होता है, बच्चों के रोल्स में बना के दीजिए, बच्चों को आप ऐसे कुछ स्नैक्स बना के दीजिए, बच्चों को टमाटो सॉस बहुत पसंद होता है, बच्चे उससे खाना खा लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डाली है मलाई, फ्रेश मलाई है ये दूध की, अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। देन इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा रेड चिली, बहुत ही लिटिल बिट ऑफ मतलब रेड चिली, जो पैरी पैरी मसाला होता है वो मैं इसमें डालने वाली हूँ, क्योंकि अर्जुन को रेड चिली मैं नहीं देती हूँ, ग्रीन चिली होता तो दे देती बट ग्रीन चिली भी वो खा नहीं पाता है, तो मैं इसमें पैरी पैरी डालने वाली हूँ, ऑरिगैनो डाल दूँगी जिससे कि टेस्ट थोड़ा सा डिलीशियस आ जाए, और फटाफट से उसको मैं सर्व कर दूँगी। होममेड पास्ता अर्जुन के रेडी हुए, कुछ इस तरीके से इसका लुक आया, बहुत ही सुंदर, बच्चे इसको देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छे से खाते हैं। यहाँ फिर से अपना फेस ना दिखाती हुई एक बार फिर से ओवर वर्स, ये पेड़ पौधे रखे मैं इनका बड़ा तरस आ रहा है बेचारे, 1-2 दिन से रखे हुए हैं, गांव नहीं पहुँच पा रहे, इतना बिजी है नीरज, जा नहीं पा रहे, जो लगाएगा जो घर में जो काम करने वाले होते हैं वो लगाएंगे, वो भी अब थोड़ा सा बिजी, वो कहीं गए हैं जो गाँव में हमारे काम करने वाले होते हैं मतलब वो, तो क्या किया जाए। फिर यहाँ मैंने प्लान किया चलो क्यों ना हम चलते हैं फटाफट से आइसक्रीम खाने, तो हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए निकल पड़े घर से बाहर, मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग आइसक्रीम खाने के निकल ही पड़ते हैं घर से बाहर। तो ये जाते हुए हम लोग बड़े चौराहे से फिर हम पूरा हरदोई का राउंड काटते, बोलते ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते अपने बच्चे अपने पति के साथ तो बहुत मज़ा आता है, और ये हमारा अक्सर रोज़ का हो गया है, ये तुरंत नाथ मंदिर आ गया और यहाँ से निकलते सब छोटा चौराहे से आगे बढ़ते आते हैं, फिर बड़ा चौराहा, फिर आज मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं क्या बोले जा रही हूँ बट मैंने थोड़ा सा क्या बोलूँ, मैंने जब कुछ दिखाई नहीं रही तो मैं क्या बोलूँ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं थोड़ा सा ऐसी बोलती जाऊँ कुछ भी जो आपको एंटरटेन हो। यहाँ पे गाड़ी का वाइपर करती हुई मेरा पति गाड़ी को क्लीन करती हुई, एक्चुअली पता नहीं क्या इसमें गंदा हो गया क्योंकि बाहर खड़ी रहती है कार परमानेंट, और जो बूंदे पड़ती हैं तो वो मिट्टी के वो बूंदे सी हो जाती हैं, तो मैं यही बोली थी कि तुम्हारी कार गंदी है तो प्लीज इसे क्लीन कर लो, तो नीचे तुम फटाफट क्लीन कर ली। तो हम पहुँचने वाले हैं, कहाँ पहुँच गए मुझे खुद नहीं पता क्योंकि वीडियो मुझे अब समझ में रात है, तो फटाफट हम पूरे हरदोई भ्रमण करते हुए टहलते घूमते हुए खाएंगे आइसक्रीम, देन इसके बाद जाएंगे घर और फटाफट जाएंगे सो। तो यहाँ पे हम आराम से टहलते हुए जा रहे हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन अजी जाना पड़ रहा, क्या करें अब तो मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा ना, मुझे लगा ये घर अपनी गाड़ी खड़ी है, अपनी चल रही क्यूट खड़ी है, हाँ ऐसा लगा, और मुझे किट से बहुत प्यार था, मुझे इससे लगाव नहीं है। अरे तुम्हें इससे लगाव है क्या? अरे तुम्हें ये कार पसंद है क्या? मुझे वाली कार नहीं पसंद है, लोग इंतजार कर रहे हैं। ये क्या है? ये लोग स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं बेटा, टिकट यहाँ मिलेंगे, हरदोई रेलवे स्टेशन में आपका स्वागत है।
अब सोचा कि 5 मिनट ही हुआ था, घर हरदोई घूम लिया कार में, तो सोचा क्यों ना मैं स्टेशन पर टहलाते तो अर्जुन को देखना था यहाँ पे कि मुझे ट्रेन देखनी, तो मैं यहाँ ट्रेन को जूम करके सर्च कर रही थी, देखी अर्जुन ट्रेन, तो मैं अर्जुन को ऐसे नहीं बता रही पर मैं कैमरे में जूम करके देख रही थी, अर्जुन देखो वो ट्रेन आई तो ये भी मालगाड़ी जा रही, तो मैंने सोचा अर्जुन को दिखा देती हूँ मालगाड़ी, तो अर्जुन फटाफट कह रहे थे मम्मा ये गाड़ी में कितने डब्बे हैं मम्मा ये कितनी सारी है, तो अर्जुन के बकवास सुन सुन के मैं भी कभी कभी बोलती ना कि एकदम से इरिटेट हो जाती हूँ, फिर मैं बोलती नहीं अर्जुन अपने आप से खुद करिए, तो फटाफट हमने यहाँ पर ट्रेन से देख लिया, अब हम जाएंगे घर, मैं बोल रही प्लीज़ 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 घर चलो, पर मेरा बच्चा मेरा पति मेरी पर एक भी बात नहीं मानता है, बोला अभी थोड़ी देर इंतजार करें, यहाँ पे गाड़ी ख़राब नहीं हुई है, यहाँ पे हमारी गाड़ी के मिरर पे जो सामने वाला होता है उस पर भाप जम रही, स्टीम जम रही, क्योंकि मैंने कार ए सी चलती, जब ए सी चल रही तो मैंने कार खोल दिया है, और जैसे कि जब मौसम ऐसा होता है वेदर मानसून जो मतलब बारिश वाला ऐसा सफोकेटेड होता है तो वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम कार में हो जाती, तो यहाँ पे नीचे बाइपर में पानी डालती क्योंकि उसमें पानी की कमी थी, और इसको थोड़ा देखते हुए कि क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं कि चलो भाई कार भी सही हो जाए, रात के 12 बजे हम रोड पे खड़े हुए हैं, अर्जुन तो यहाँ पे नंगू पंगू बैठा हुआ है, उसे कपड़े भी प्रॉपर नहीं पहने, नाइट सूट पहन के आया है, और जो मतलब होता है, और मैं यहाँ पे पता नहीं क्या बकवास कर रही, मुझे नहीं पता, पर मैंने ओवरवास कर दिया हुआ है क्योंकि मेरी कंडीशन वो नहीं थी बोलने वाली, शक्ल भी देखने वाली नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बुरी कंडीशन में थी, इतना थक गई थी, कल मैंने बहुत सारा काम किया स्कूल का पेपर वर्क था वो सारा किया है, लाइक के बच्चे के साथ टाइम स्पेंड, क्वालिटी टाइम स्पेंड 10 से 15 मिनट हो जाता है तो अच्छा लगता है, और फिलहाल मैं भी अब इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।